हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम सिक्स क्लास का चैप्टर सेकंड जो भी है कंपोनेंट ऑफ फूड, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस विच वी नीड फॉर एनर्जी टू ग्रो। वो केमिकल सब्सटेंस जो हमें चाहिए एनर्जी लेने के लिए और ग्रोथ करने के लिए हमारी सेल्स को, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, जो हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारे फूड से। उसके आगे सेकंड टर्म है न्यूट्रिशन। सेकंड टर्म क्या है बेटा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? इन्हीं केमिकल सब्सटेंस को, न्यूट्रिएंट्स को फूड के रूप में लेना ही क्या है? न्यूट्रिशन। केमिकल सब्सटेंस को, न्यूट्रिएंट्स को फूड के रूप में लेना ही क्या है? न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं। फूड ग्रुप, फूड को किन किन ग्रुप के अंदर बांटा गया है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से, ठीक है। अब इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स क्या काम करता है, क्या फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर करता है, किस काम आता है, वो जानते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या फंक्शन होता है इनका, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन से फूड ग्रुप के अंदर रखे गए हैं, ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। कौन से फूड है ये? एनर्जी गिविंग फूड। वहीं पर प्रोटीन है, उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है? बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है? बॉडी बिल्डिंग फूड। उसके आगे मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इनको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है? प्रोटेक्टिव फूड। इनको किस ग्रुप के अंदर रखा गया है? प्रोटेक्टिव फूड के अंदर। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं? हमें ये एनर्जी देते हैं, हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए इनको किस कैटेगरी के अंदर रख दिया गया? एनर्जी गिविंग फूड, वो फूड जो हमें एनर्जी देंगे। प्रोटीन, प्रोटीन किस काम के आता है? हमारी सेल्स को, किसको रिपेयर करता है? सेल्स एंड टिश्यूज, इनको क्या करता है? रिपेयर करता है, ठीक करता है और नई सेल्स की फॉर्मेशन में भी मदद करता है। तो इनको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है? बॉडी बिल्डिंग फूड। वहीं पर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है? प्रोटेक्टिव फूड। ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, किससे? डिजीज से। डिजीज के अगेंस्ट क्या करते हैं? ये फाइट करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है? प्रोटेक्टिव फूड के अंदर। एक और होता है रफेज, या डाइट्री फाइबर बोल देते हैं उसको। ये किसके काम आता है? मेनली इसका हमारे शरीर के अंदर कोई मेन फंक्शन नहीं है, लेकिन क्या काम करता है ये? हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल जो फूड को कैरी करवाती है माउथ से लेकर और एनस तक, ठीक है,
उस फूड आइटम को आगे धकेलने के लिए मदद करता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो फाइबर के साथ, रफेज के साथ कहाँ आ जाता है, हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रफेज है, फाइबर है, वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो डाइजेस्ट नहीं होते। और कुछ मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो रफेज के साथ, फाइबर के साथ हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। इसके आगे देखते हैं हम, ये तो मेन कैटेगरी हो गई, मेन ग्रुप हो गए अपने फूड आइटम के, फूड ग्रुप के। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है? प्रोटेक्टिव फूड। क्यों है वो भी मैंने बता दिया आपको। आज हम पढ़ते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, ये तो हमने पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। अब कार्बोहाइड्रेट को मेनली टू कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले तो शुगर और सेकंड है स्टार्च। शुगर एंड स्टार्च, शुगर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब किसकी फॉर्मेशन है, किससे बने हुए हैं? शुगर से, शुगर के पार्ट है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या देता है हमें? ये चीजें भी एनर्जी देती हैं, और इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है हमें? ग्लूकोज। मतलब कि शुगर जो कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट की, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, बिल्कुल तुरंत फटाफट। ठीक है, स्टार्च भी क्या करता है? हमें एनर्जी देता है, क्योंकि किसका पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन ये क्या है? टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है इसका। ठीक है, उसके आगे जो ग्लूकोज है, ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? हमारे लीवर और मसल सेल के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर, और वहीं पर स्टोर रह जाता है। अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी की कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वहां पर जो ग्लूकोज था, ग्लाइकोजन में चेंज हुआ था, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, वहीं पर जो हमारे पास जो हम चीनी है, जो जिसको शुगर बोलते हैं मेनली, ठीक है, घरों के अंदर यूज करते हैं, वो एक्चुअल में क्या है? सुक्रोज। एक्चुअल में क्या है वो? सुक्रोज। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट हो गए, शुगर और स्टार्च, मेन यही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में, और प्रोटीन, ये कैसे काम करते हैं, किन किन चीजों के अंदर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हम जान लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों के अंदर मिलता है? जो मेनली अनाज है हमारे, वीट है, राइस है, पोटैटो है, ठीक है, सब्जियां हैं, उनके अंदर क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। शुगर की फॉर्म भी में भी हो सकता है वहां पर, और स्टार्च के रूप में भी मिलता है। ठीक है, मेनली राइस, वीट, पोटैटो, ठीक है, इनके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मेज, मक्का जो होती है, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। ओके, थैंक यू।